कैसी है रे पब्लिक, वेलकम टू न्यूज चैनल पकेगा नहीं और ये आप तक हर इम्पोर्टेंट खबर पहुंचाने से रुकेगा नहीं। लेट्स गो एंटरटेनमेंट न्यूज। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप ने अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के अगेंस्ट डेफामेशन केस जीता। ये केस जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के द्वारा झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन से उनकी जो बदनामी हुई थी उस बदनामी का कॉम्पेंसेशन एम्बर हर्ड से लेने के लिए उन्हें ये केस किया था। कोर्ट ने एम्बर हर्ड को ऑलमोस्ट $10 million इन डैमेजेस जॉनी डेप को देने के लिए कहा। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि फेमस बॉलीवुड सिंगर केके की डेथ कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। अक्षय कुमार ने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि स्कूल्स की हिस्ट्री बुक्स में बाहर से आए इन्वेडर्स किंग के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, पर इंडियन किंग्स जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सिर्फ कुछ लाइनें ही लिखी हुई हैं। आमिर खान एंड करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर ने यूट्यूब पर 24 आवर्स में क्रॉस किए 40 मिलियन व्यूज से भी ज़्यादा। 1 जून को सिंगर केके की बॉडी को कोलकाता में गन सल्यूट मिला था, उनका फ्यूनरल 2 जून को मुंबई में होगा। ट्रेंडिंग न्यूज़, सिद्धू मूसेवाला के डॉग की हुई वीडियो वायरल, जिसमें वो सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद उदास लग रहा है। पेरिस के म्यूजियम में वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा को एक आदमी ने केक की क्रीम से खराब कर दिया, वहां खड़े सब लोग इस इंसिडेंट से हैरान हो गए। उत्तर प्रदेश में एक दुल्हन ने अपनी शादी कैंसिल की बिकॉज दूल्हा वेडिंग फोटोग्राफर हायर नहीं कर पाया। गोवा के बीजेपी के स्पोक पर्सन की फोटो हुई वायरल, जिसमें वो पुष्पा मूवी का पोज झुकेगा नहीं में खड़े हुए हैं। ये पोज उन्होंने ऑपोजिशन के लिए किया है। स्पोर्ट्स न्यूज, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होने वाले थे जब एमएस धोनी ने 2008 में उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया था, पर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें ये करने से रोक दिया था। फाइनलिज़िमा 2022 में अर्जेंटीना ने इटली को 3-0 से हराया। इस मैच में 2 असिस्ट देकर लियोनेल मेसी बने मैन ऑफ द मैच। फाइनलिज़िमा कोपा अमेरिका एंड यूएफए यूरोप के विनर्स के बीच में खेला जाता है। इंडियन क्रिकेटर दीपक चहर ने अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज से आगरा में शादी की। बिजनेस न्यूज, एलन मस्क ने अपने एम्प्लॉयज को ईमेल में ऑफिस से काम करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कंपनी की इस पॉलिसी से अग्री नहीं करता तो वो रिजाइन कर सकता है। HDFC, ICICI बैंक एंड PNB ने लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसके बाद लोन्स और महंगे हो जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने पाम ऑयल का इम्पोर्ट प्राइस कम किया एंड सोया ऑयल का प्राइस बढ़ा दिया। आम आदमी के लिए खुशखबरी, LPG सिलेंडर्स का प्राइस 135 रुपीस से कम हुआ। अगर ये बात आपको इतनी बड़ी नहीं लगती तो आप लोगों को LPG के प्राइस बढ़ने पर इतना गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। नेशनल न्यूज, अमृतसर के खालसा कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई में गन फायरिंग के कारण एक स्टूडेंट की मौत और एक स्टूडेंट को इंजरी हुई है। कश्मीरी पंडित की कश्मीर में रिसेंट किलिंग्स के बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उनकी कश्मीर में प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की डिमांड की। तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर मा सुब्रमण्यन ने कहा कि उनके स्टेट में कोविड नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के कारण स्प्रेड हो रहा है। इस स्टेटमेंट पर बहुत लोग गुस्सा हुए और लोगों ने इस स्टेटमेंट को नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश ठहराया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल एंड सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में नोटिस इशू किया। इस पर शिवसेना के संजय राउत ने ताना मारते हुए कहा कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेमोरियल पर भी नोटिस चिपका देगी। इंटरनेशनल न्यूज, ब्राजील में हैवी रेनफॉल के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश की एक औरत की अमेरिका में पैरासेलिंग करते वक्त एक ब्रिज से टकराकर मौत हुई। मेक्सिको में हरिकेन के कारण 11 लोगों की मौत एंड 33 पीपल आर स्टिल मिसिंग। टेक्नोलॉजी न्यूज़,
व्हाट्सएप की मंथली रिपोर्ट ने बताया कि व्हाट्सएप ने अप्रैल में 16 लाख से ज्यादा इंडियन अकाउंट्स बैन किए। ऐसा उसने उनकी पॉलिसी वायलेशंस के कारण किया। अब आप लोग अपनी एंड्रॉयड अमेज़न ऐप से किंडल के लिए ई बुक्स नहीं खरीद पाओगे। ऐसा अमेज़न ने गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज के कारण किया। अब अगर आपको ई बुक किंडल के लिए खरीदनी है तो आपको अमेज़न की वेबसाइट से खरीदनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। अपनी मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही चाहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं।